নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এটা সৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকলৈ। বৰ্তমান মই আপোনাক ল'ৰা এজনৰ ভিডিঅ' এটা দেখুৱাম, যিটো মানে নিউজ লাইভ লগত মানে নিউজত মানে ডাইৰেক্ট কথা পতা। তাৰ আগতে মই কথা এষাৰ কওঁ, মানে এই ল'ৰাজনৰ নাম আছিলে ৰবি। তেওঁ ফোন কৰিছিলে, তেওঁ ককাকে মানে ককা দেউতাকে চিয়াৰ কিনিছিলে 1999-ত, হয় MRF চিয়াৰ। MRF বৰ্তমান চাৰ্টত আপোনালোকে দেখি পাইছে, MRF চিয়াৰ লাষ্ট ৰেট আপোনাৰ 98,000 লৈ গৈছে এটা চিয়াৰত। আৰু তেখেতৰ যেতিয়া ককা দেউতাকে কিনিছিলে, এই চিয়াৰটোৰ দাম 300-400 আছিলে 99-ত। এইটো চাওক আপোনালোকে, চাব চাওক, লাষ্ট 300-400 লৈকে আহিছিলে, 400 লগত 400 টকাৰ কৰি কিনি ৰাখিছিল তেতিয়াই। আৰু বৰ্তমান ভিডিঅ'টো চাই গম পাব আপোনালোকে, সেই 400 টকাকৈ কিনি ৰখা চিয়াৰ আজিৰ ডেটত এটা MRF চিয়াৰৰ দাম হ'ল 97,000, লাষ্ট 98,000লৈকে গৈছে। চিয়াৰৰ মূল্য কেনেকৈ বাঢ়িলে আৰু সেই মানুহজনে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ ভেলু কিমান হ'ল, 100 কিমান কোটি টকা হ'ল, আপুনি ভিডিঅ'টো নিজে চাই ল'ব। আৰু এনেধৰণে মানে প্ৰেৰণামূলক চিয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে ভিডিঅ' চাবলৈ কাৰণে আপুনি চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব। দিল্লী সে হামারে সাথ হামারে আগলে দর্শক হ্যাঁ রবি, ইন ইনসে বাত করতে হ্যাঁ রবি, মর্নিং টু ইউ, ক্যা পুছনা চাহতে হ্যায় আপ? স্যার নমস্কার। নমস্কার স্যার, মেরে দাদাজি নে 1990 মে MRF শেয়ারস লিয়ে থে 20,000 স্যার। আচ্ছা, और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज कराया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑलराइट, एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की, जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मिहिर अभी भी ये डीमटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने, इन्हें पहले कैसे DP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है, वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का, तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। यार आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय के वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट।